जमशेदपुर में होल्डिंग टैक्स एवं सैदात की दुकानों के भाड़े में किए गए बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से लगाए गए रोक की खुशी में जमशेदपुर की जनता ने मंत्री बन्ना गुप्ता के शहर आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया। अभी दो विषय कैबिनेट के द्वारा लाए गए थे। एक होल्डिंग टैक्स में कुछ विसंगतियां थी, तो इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। और दूसरा हमारा जो सैरात बाज़ार है, जो पहले टाटा स्टील के अंडर में था और अभी सरकार ने उसको हस्तगत किया है, तो उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो गड़बड़ था, तो हमने उस पर अर्बन सेक्रेटरी साहब के साथ और एमडी साहब के साथ संबंधित सारे निकाय के साथ बैठक किया। बैठक करके ना सिर्फ यहाँ का बल्कि डोमचाच का भी मामला था, वो सारे मामले को अभी स्थगित किया गया है। बता दें कि राज्य भर में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी, वहीं जमशेदपुर के सैरात की दुकानों के भाड़े में भी बेतहाशा वृद्धि की गई थी, जिस पर व्यापारी वर्ग एवं आम जनता ने आंदोलन भी किया। इसी मामले में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सहराज के मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल के कारण तत्काल रोक लगाया गया है और एक जांच कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट सर्वे कर सरकार को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ही नए रेट का निर्धारण भी होगा। इस फैसले के बाद जमशेदपुर की जनता और व्यापारियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा पहल है व्यापारियों का, तो सर का बोझ ही खत्म हो गया। पिछले एक साल से टेंशन में थे, 800 गुना सैरात का भाड़ा बढ़ा दिया गया था, होल्डिंग टैक्स जितने भी नगर पालिका क्षेत्र है 4-4 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ गया था, लेकिन बन्ना जी जो हैं वो मतलब सभी के मसीहा है। उन्होंने व्यापारियों के लिए नहीं सबके लिए किया है और व्यापारियों को इन्होंने इस दिवाली के मौके पर एक सौगात दिया है और ये इतना बड़ा काम कर दिया है, व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। आइए दिए जलाएं, इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।